पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ रैचेट आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर का, आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक पार्ट होता है रैचेट स्टॉप जिसे बोला जाता है। तो उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो रैचेट स्टॉप होता है वो किस लिए उपयोग करते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टर्न द थिम्बल, मतलब थिम्बल को टर्न करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है स्पिंडल को लॉक करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है करेक्ट द जीरो एरर, मतलब जीरो एरर को करेक्ट करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है इंश्योर द करेक्ट प्रेशर, मतलब एक लिमिट तक प्रेशर आने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप का क्या उपयोग है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंश्योर द करेक्ट प्रेशर, मतलब सही दबाव सुनिश्चित करने के लिए। मतलब अगर इस ऐसे रैचेट स्टॉप या फिर ये लिमिट अगर नहीं दिया जाता है तो हर एक के साइज से अलग अलग साइज आता है माप लेने के बाद, जिसकी वजह से हर एक कोई भी ऑपरेटर, अगर दो तीन ऑपरेटर माप ले रहे तो सबका साइज एक एक ही आना चाहिए, इसलिए एक लिमिट के लिए रैचेट स्टॉप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के डिफरेंस को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लिमिट ऑफ साइज, दूसरा ऑप्शन है बेसिक साइज, तीसरा ऑप्शन है टॉलरेंस, चौथा ऑप्शन है जीरो लाइन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग बटरस थ्रेड इन कारपेंटर वॉइस। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि कारपेंटर वॉइस में बटरस थ्रेड क्यों प्रदान किए जाते हैं, तो इसका जो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर बेटर अपियरेंस, दूसरा ऑप्शन है फॉर इजी यूज, तीसरा ऑप्शन है फॉर इजी मैन्युफैक्चरिंग और चौथा ऑप्शन है प्रेशर एक्ट एट वन फ्लांग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कारपेंटर वॉइस में बटरस थ्रेड को उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर एक्ट एट वन फ्लांग, मतलब दबाव एक किनारे पर कार्य करता है जिस वजह से कारपेंटर वॉइस में बटरस थ्रेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग। तो स्क्रीन पर आपको एक जिग का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस जिग को क्या कहा जाता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेट जिग, दूसरा ऑप्शन है चैनल जिग, तीसरा ऑप्शन है ट्रूनियन जिग और चौथा ऑप्शन है सैंडविच जिग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए जिग का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रूनियन जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एटीसी प्रिपेरेशन ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग एक्सिस कन्वेंशन ऑफ सीएनसी मशीन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सीएनसी मशीनों के पार्ट प्रोग्रामिंग एक्सिस कन्वेंशन की एटीसी तैयारी से आपका क्या मतलब है, मतलब एटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अल्टरनेट टूल सेंटर, दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक टूल चेंजर, तीसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक टूल चेकिंग, चौथा ऑप्शन है एक्सिलरी टूल चेकिंग। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि सीएनसी मशीन में जो एटीसी प्रिपरेशन पार्ट प्रोग्रामिंग एक्सिस कन्वेंशन होता है, तो एटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू लुब्रिकेट द हेड स्टॉक इन मॉडर्न लेथ। आधुनिक लेथ में हेड स्टॉक को लुब्रिकेट करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वीक फीड, दूसरा ऑप्शन है ग्रेविटी फीड मेथड, तीसरा ऑप्शन है स्प्लैश लुब्रिकेशन और चौथा ऑप्शन है ऑयल पंप मेथड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि आधुनिक लेथ में हेडस्टॉक को लुब्रिकेट करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑयल पंप मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द थ्रेडिंग टूल इज सेट बिलो सेंटर हाइट। यदि थ्रेडिंग टूल को सेंटर हाइट से नीचे सेट किया जाता है तो क्या होता है, जॉब कीपर जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिच विल चेंज, मतलब इसका पिच चेंज हो जाता है, या फिर दूसरा ऑप्शन डिफिकल्ट फॉर कैचिंग, मतलब थ्रेडिंग करने में डिफिकल्टी आती है, या फिर तीसरा ऑप्शन है थ्रेड विल भी डैमेज, मतलब थ्रेड पूरे खराब हो जाते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है मेजर डायमीटर विल चेंज, मतलब इसका जो मेजर डायमीटर बड़ा डायमीटर होता है वो चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि यदि थ्रेडिंग टूल को सेंटर हाइट से नीचे सेट किया जाता है तो क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्रेड विल भी डैमेज, मतलब थ्रेड खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्न मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया है तो ये क्या दर्शाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड, दूसरा ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट लार्जर एंड, तीसरा ऑप्शन है हाइट ऑफ द टेपर और चौथा ऑप्शन है डायमीटर ऑफ रोलर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम में एक्स के रूप में दिखाए गए भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड, मतलब छोटे सिरे पर रोलर के ऊपर का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट ऑन कॉन्वेंशनल लेथ, कॉन्वेंशनल लेथ पर घटकों का उत्पादन क्या शामिल है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इन्वॉल्व्स मोर मैनुअल वर्क, दूसरा ऑप्शन है मोर प्रोडक्शन रेट, तीसरा ऑप्शन है लेस मैनुअल वर्क, चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर टेक केयर। तो क्वेश्चन में जब पूछा गया था कि कन्वेंशनल लेथ पर घटकों का उत्पादन में क्या शामिल है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इन्वॉल्व मोर मैनुअल वर्क, मतलब अधिक मैनुअल वर्क मैनुअल काम शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज यूज टू फिनिश अ ड्रिल होल मैनुअली, ड्रिल किए गए होल को मैनुअली रूप से फिनिश करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हैंड रिमर, दूसरा ऑप्शन है मशीन रिमर, तीसरा ऑप्शन है काउंटर संक ड्रिल और चौथा ऑप्शन है लार्ज डायमीटर ड्रिल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ड्रिल किए गए होल को मैनुअली रूप से फिनिश करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैंड रिमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला 0.75 इंटू पिच, 0.75 इंटू पिच द्वारा कौन सा कैलकुलेट किया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फार्मूला दिया है, तो इस फार्मूला का उपयोग कहाँ पर करते हैं यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड, मतलब स्क्वायर थ्रेड की डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूला का उपयोग करते हैं, या फिर डेप्थ ऑफ मेट्रिक थ्रेड, मतलब मेट्रिक थ्रेड की डेप्थ निकालने के लिए, तीसरा ऑप्शन है एक्मे थ्रेड की डेप्थ निकालने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है बटरस थ्रेड की डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो 0.75 इंटू पिच जो फार्मूला दिया है, इस फार्मूला का उपयोग कब करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड, बटरस थ्रेड की डेप्थ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय इस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द फॉलोअर स्टडी इज फिक्स टू प्रोड्यूस फ्रॉम टर्निंग, टर्निंग से उत्पादन करने के लिए फॉलोअर स्टडी कहाँ फिक्स किया जाता है, कोई भी प्रोडक्शन का काम करते समय फॉलोअर स्टडी को कहाँ पर फिक्स किया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल पार्ट, दूसरा ऑप्शन है टॉप स्लाइड, तीसरा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड और चौथा ऑप्शन है टेल स्टॉक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि टर्निंग से उत्पादन करने के लिए फॉलोअर स्टडी कहाँ पर फिक्स किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रॉस स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मिनिमम एक्सिस आर प्रोवाइडेड इन मशीनिंग सेंटर, मशीनिंग सेंटर में न्यूनतम कितनी एक्सिस प्रदान की जाती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 2 एक्सिस, दूसरा ऑप्शन है 4 एक्सिस, तीसरा ऑप्शन है 3 एक्सिस और चौथा ऑप्शन है 5 एक्सिस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मशीनिंग सेंटर में मिनिमम कितनी एक्सिस प्रदान की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्क्वायर पोर्शन प्रोवाइडेड ऑन द शांक ऑफ द रिमर, क्या क्वेश्चन में पूछा गया कि रिमर के शांक में जो स्क्वायर वाला भाग होता है ये क्यों प्रदान किया जाता है रिमर पर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू होल्ड इन स्पैनर, मतलब स्पैनर को होल्ड करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है टू होल्ड इन ड्रिल चक, ड्रिल चक में फिट करने के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है टू होल्ड इन टैप रेंज, मतलब टैप रेंज में फिट करने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है टू होल्ड बाय थ्रीजा चक। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि रिमर के शांक में जो स्क्वायर वाला भाग होता है वो किस लिए प्रदान करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू होल्ड इन टैप रेंज, मतलब टैप रेंज में अगर हमें फिट करना है रिमर को तो उस समय स्क्वायर भाग के ऊपर ही रिमर को फिट किया जाता है टैप रेंज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड डायमीटर 30 मिलीमीटर ऑफ पिच 3 मिलीमीटर। तो बटरस थ्रेड का डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है जिसके लिए डायमीटर दिया गया 30 mm और जिसका पिच है 3 मिलीमीटर। इसके लिए पहला ऑप्शन है 1.25 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1.5 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 2.25 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 3 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटरस थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करना है, तो इसके पहले कि हम क्वेश्चन में देख चुके हैं कि फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3, 2.25 मिलीमीटर। तो जो बटरस थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने का फार्मूला है 0.75 इंटू पिच, इनका कैलकुलेट करने के बाद ये साइज आता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि 0.75 को मल्टीप्लाई करना है 3 mm से, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाता है 2.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द RPM स्पिंडल इफ कटिंग स्पीड 120 मिलीमीटर पर मिनट एंड डायमीटर ऑफ द जॉब 50 मिलीमीटर। तो हमें कैलकुलेट करना है स्पिंडल की स्पीड, जिसके लिए हमें कटिंग स्पीड दिया है 120 मीटर पर मिनट और जॉब का डायमीटर है 50 मिलीमीटर। तो सबसे पहले ऑप्शन और आंसर देखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है 500 RPM, दूसरा ऑप्शन है 764 RPM, तीसरा ऑप्शन है 856 RPM और चौथा ऑप्शन है 975 RPM। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 764 RPM। किस तरह से आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में
सबसे पहले हमें फॉर्मूला आरपीएम का अप्लाई करना है। फॉर्मूला होता है कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई आर इंटू डी। तो इसके लिए जैसे कटिंग स्पीड हमारे पास दिया है 120 और इसका जो फॉर्मूला में वैल्यू है 1000, उसके बाद डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू होती है 3.14 और डायमीटर दिया है 50 mm। तो इसका कैलकुलेट करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इतना साइज आता है और इसे डिवाइडेशन करने के बाद इसका आंसर आ जाता है 764। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर रिप्रेजेंटेड द बेसिक होल, कौन सा अक्षर बेसिक होल का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्मॉल एच, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल एच, तीसरा ऑप्शन है बी एच, चौथा ऑप्शन है कैपिटल बी एच। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि विच लेटर रिप्रेजेंटेड द बेसिक होल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैपिटल एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोथ वेन कटिंग एंड वेन विथ ड्राइंग, कौन सा टूल कटिंग करते समय और ड्राइंग करते समय क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया कि किस टूल से हमें जो कटिंग करते समय भी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और उस कटिंग टूल को निकालते समय भी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डाई, दूसरा ऑप्शन है फाइल, तीसरा ऑप्शन है रिमर और चौथा ऑप्शन है हैंड कैप। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा कटिंग टूल है जो कटिंग करते समय क्लॉकवाइज घुमाया जाता है और उसे बाहर निकालते समय भी क्लॉकवाइज ही घुमाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिमर। रिमर के सहायता से जब हम रिमिंग करते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाकर रिमिंग किया जाता है और रिमिंग करने के बाद जब हम रिमर को बाहर निकालते हैं तो उस टाइम पे भी क्लॉकवाइज घुमाकर ही बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पिच एंड डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड, बटरस थ्रेड की पिच और डेप्थ के बीच का संबंध क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ इंटू 0.5 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है डेप्थ इंटू 0.6134 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है डेप्थ इजिकल टू 0.6403 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन है डेप्थ इजिकल टू 0.75 इंटू पिच। तो डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अगर हमें बटरस थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डेप्थ इजिकल टू 0.75 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सरफेस रफनेस सिंबल मार्क एज एक्स, तो स्क्रीन पर आपको एक सरफेस रफनेस का सिंबल दिखाया गया है। तो इसमें जो एक्स के रूप में ये जो भाग आपको दिखाया गया है तो इसका मान क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रफनेस वैल्यू, दूसरा ऑप्शन है सैम्पलिंग लेंथ, तीसरा ऑप्शन है मशीनिंग अलाउंस और चौथा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ ले। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया सरफेस रफनेस का सिंबल में एक्स के रूप में दिखाया गया इसका मान क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मशीनिंग अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सरफेस इज फिनिश्ड बाय होनिंग, किस तरह की सरफेस होनिंग की द्वारा की जाती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस, दूसरा ऑप्शन है इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस, तीसरा ऑप्शन है बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस या फिर चौथा ऑप्शन है फ्लैट सरफेस। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि होनिंग के सहायता से कौन से सरफेस के ऊपर होनिंग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस। मतलब कोई भी जो गोलाकार होता है इंटरनल होल के अंदर ही होनिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स, तो स्क्रीन पर आपको एक रिमर का डायग्राम दिखाया गया है और रिमर के डायग्राम में जो एक्स के रूप में इस भाग को दिखाया गया तो इस भाग का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वीवल लीड, दूसरा ऑप्शन है टेपर लीड, तीसरा ऑप्शन है लेंथ ऑफ स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है वीवल लीड लेंथ। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए रिमर के डायग्राम में एक्स के रूप में दिखाए गए भाग का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेपर लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द यूज ऑफ थ्रेड, तो स्क्रीन पर आपको एक थ्रेड का डायग्राम दिखाया गया है जिसका एंगल दिखाया गया है 29 डिग्री। तो इस एंगल से हमें थ्रेड का पता चल जाता है, तो इस थ्रेड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन यूज इन स्क्रू जैक, मतलब स्क्रू जैक में यूज होता है या फिर लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर यूज होता है या फिर तीसरा ऑप्शन है जनरल पर्पज के लिए या फिर चौथा ऑप्शन है प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमें पहचानना क्या है, जो थ्रेड का एंगल दिया गया थ्रेड के एंगल से हमें पता चल जाता है कि ये हमारा एक्मे थ्रेड है, क्योंकि एक्मे थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री। और एक्मे थ्रेड को उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यूज ऑन लेथ लीड स्क्रू, मतलब लेथ मशीन के लीड स्क्रू में एक्मे थ्रेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ थ्रेड हैज अ हायर मैकेनिकल एडवांटेज, किस प्रकार के थ्रेड का मैकेनिकल एडवांटेज अधिक होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वी थ्रेड, दूसरा ऑप्शन है एक्मे थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड और चौथा ऑप्शन है बटरस थ्रेड।
तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रकार के थ्रेड का मैकेनिकल एडवांटेज सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर इन द कंपाउंड गियर ट्रेन मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक कंपाउंड गियर ट्रेन का डायग्राम दिखाया गया है, तो कंपाउंड गियर ट्रेन में जो एक्स के रूप में दिखाया गया है, तो इस गियर का नाम क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फर्स्ट ड्राइवर, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट ड्रिवन, तीसरा ऑप्शन है सेकंड ड्राइवर, चौथा ऑप्शन है सेकंड ड्रिवन। तो स्क्रीन पर दिखाए गए कंपाउंड गियर ट्रेन का डायग्राम में एक्स के रूप में जो गियर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस गियर का नाम है ऑप्शन नंबर डी, सेकंड ड्राइवर। क्योंकि कंपाउंड गियर ट्रेन में दो ड्राइवर दो ड्रिवन होते हैं, तो सबसे पहला ड्राइवर, दूसरे उसके बाद इसे जो अटैच है हमारा ड्रिवन, पहला ड्राइवर पहला ड्रिवन, उसके बाद दूसरा ड्राइवर और लास्ट में दूसरा ड्रिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फिट इन एक्सप्रेस। तो स्क्रीन पर आपको एक साइज दिखाया गया है 75 कैपिटल H8/j7। तो हमें पहचानना है कि ये जो साइज दिया गया है, इस साइज से ये साइज से हमें फिट का पहचान करना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्रांजिशन फिट, दूसरा ऑप्शन है क्लियरेंस फिट, तीसरा ऑप्शन है इंटरफियरेंस फिट और चौथा ऑप्शन है फोर्स फिट। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि जो साइज दिया गया, साइज से हमें फिट का पता लगाना था, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजेक्शन फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग टैप। टैप का मटेरियल क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टैप बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है माइल्ड स्टील, तीसरा ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम अलॉय। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि टैप का मटेरियल कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द फीड मैकेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा फीड मैकेनिज्म का पार्ट है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पिंडल गियर, दूसरा ऑप्शन है टम्बलर गियर यूनिट, तीसरा ऑप्शन है एप्रन मैकेनिज्म, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा फीड मैकेनिज्म का पार्ट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन। मतलब जो तीनों ऑप्शन में दिखाया गया है, स्पिंडल गियर, टम्बलर गियर और एप्रन मैकेनिज्म, ये तीनों भी एप्रन मैकेनिज्म का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ फीड इंक्रीज। अगर फीड को बढ़ा दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कटिंग स्पीड इंक्रीज, मतलब कटिंग स्पीड बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है कटिंग स्पीड कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है नो इफेक्ट ऑन कटिंग टाइम, मतलब कटिंग टाइम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि अगर फीड रेट बढ़ा दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो पहला जो जैसे मैंने कटिंग स्पीड बोला था, ये कटिंग टाइम है कि कटिंग टाइम बढ़ जाता है या फिर कटिंग टाइम कम हो जाता है या फिर कटिंग टाइम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है या फिर नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फीड रेट बढ़ने पर क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाता है कटिंग टाइम डिक्रीज, मतलब कटिंग करने की जो टाइम होता है वो कम हो जाता है फीड रेट बढ़ाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपर बोरिंग एंड द अंडर बोरिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाय रिक्त स्थान। टेपर बोरिंग और अंडर बोरिंग रिक्त स्थान द्वारा की जाती है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सेंटर्स, दूसरा ऑप्शन है फेस प्लेट और एंगल प्लेट, तीसरा ऑप्शन है स्पेशल अटैचमेंट, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि टेपर बोरिंग और अंडर बोरिंग रिक्त स्थान पर की जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेस प्लेट और एंगल प्लेट। इस तरह से आज के क्लास में हमने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, और इसी तरह के डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और इसी तरह की डेली क्लास हम आपको एग्जाम होने तक करवाएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।